सबसे पहले तो मैं अपने सभी भारतीय भाइयों को होली की देर से शुभकामना देने के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि तो होली के दिन दो सर्जरी चल रही थी, एक दिल्ली में और एक सिंगापुर में मेरी। इस नाते आप लोगों को बधाई देने में देरी हुई। सिंधिया परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध बहुत पुराने रहे हैं। विजय राजे सिंधिया जी को भी कांग्रेस छोड़ना पड़ा और इंदिरा जी की लहर में अपने सुपुत्र स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ वो अपने बलबूते पर जीत के आई। वो क्या कारण थे जिसके कारण वो कांग्रेस छोड़ी, इसकी मीमांसा आज भी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात माधवराव जी जब आए अपनी माता का विरोध करके और कांग्रेस के कमर सिपाही के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग, जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, वहां पर वो डटे रहे। माधवराव सिंधिया को भी कांग्रेस का टिकट तक नहीं दिया गया, तब बाध्य होकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाया। 18 वर्षों तक अनवरत पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सेवा की। ये ठीक है कि कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने त्याग पत्र में सोनिया जी को और कांग्रेस को धन्यवाद भी दिया कि देश की सेवा करने का उन्होंने उन्हें अवसर दिया। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि मध्य प्रदेश का चुनाव ज्योतिरादित्य के चेहरे पर लड़ा गया था? हो गया शिवराज, अब की बार महाराज। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उनको प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार किया। ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने मात्र इतनी मांग की थी कि उनसे सलाह मशवरा करके प्रशासनिक और राजनीतिक काम हो, जिसको नहीं होने दिया गया। माधवराव सिंधिया ने मुझे भिंडे से टिकट दिलवा दिया था, उस टिकट को भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने काटा था। यह भ्रांति है कि अर्जुन सिंह सदैव सिंधिया विरोधी रहे। अर्जुन सिंह जी और सिंधिया जी की मित्रता हो गई थी, मध्यस्थता मैंने की थी और अर्जुन सिंह ने निर्देशित किया था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिर्फ सलार थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अर्जुन सिंह के, उन्होंने बगावत करके माधवराव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हमारा भी भिंड से निश्चित गया टिकट काट दिया गया। मैं AICC का मेंबर मध्य प्रदेश के भिंडे से ही था। जब माधवराव जी ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई और कांग्रेस में उनकी ऐसी दुर्दशा मैंने देखी, तब मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के आमंत्रण पर गया और अभी हाल फिलहाल मनमोहन सिंह जी के अनुग्रह पर नारायणन से भेंट के बाद और शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद मैंने अपने जीवन का जो सबसे अच्छा काम किया, इंडो US न्यूक्लियर डील, उसके पुरस्कार के रूप में मुझे कांग्रेस के गृह मंत्री और अहमद पटेल और दूसरे लोग मिलकर हमें जेल भेज दिए और मिस्त्री और जितेंद्र सिंह जो ऐसे लोगों ने कहा आप दागी हैं, आप नोएडा से टिकट लड़िए, निर्दलीय समर्थन कांग्रेस का होगा। लेकिन ये दागी अमर सिंह निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बरी हुआ। सरकार आपकी बची, सरकार आपकी बनी, मलाई आप खाए, दागी मैं हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो माननीय राहुल गांधी जी को उस आदेश की प्रतिलिपि के साथ मैंने पत्र लिख के कहा कि राहुल जी, अब मैं दागी नहीं हूं और ये पत्र मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं कांग्रेस में आना चाहता हूं, अब मेरा कमिटमेंट कहीं और है। ये सारी बात ध्रुव सत्य है और बहुत सभ्य भाषा में खुली बातें मैं कर रहा हूं। तो जिस तरह से दादी विजय राजे सिंधिया ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए
मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ा। पिता माधवराव सिंधिया इनका टिकट काट दिया गया, उन्होंने मजबूर होकर के कांग्रेस छोड़ा। उसी तरह से उनके ग्वालियर चंबल संभाग में बार बार लगातार उनके प्रति अभद्र आचरण के कारण ज्योतिरादित्य भी कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य हुए। कल तक जिन्हें कांग्रेस 18 साल तक जिनमें कोई बुराई नहीं दिखाई दी, अब कांग्रेस को उनमें बुराई दिखाई देने लगी है। ये राजनीति का बड़ा अशोभनीय आचरण है। विरोध करिए, लेकिन इस स्तर का विरोध करिए कि दरवाजा भले बंद हो, खिड़की खुली रहे और रोशनदान खुली रहे, काफी हवा का तेज झोंका कभी पीड़ित के पास पहुंच सके। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली।